मिटना जिहाद है ना मिटाना जिहाद है, टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। आसान है घरों का गिराना बहुत मगर, आसान है घरों का जलाना बहुत मगर, बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद है। आसान है घरों का जलाना बहुत मगर, बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद है। अब हुसैन आजम के दीवाने, इमाम हुसैन के दीवाने तैयार रहे। मिटना जिहाद है ना मिटाना जिहाद है। मौला हुसैन मुझ पर इतना करम करें, मुझे इतनी ताकत दें ताकि ये मिसरा मैं इन दीवानों तक पहुंचा ले जाऊं। पूरी ताकत से पढ़ रहा हूं खुदा की कसम। मिटना जिहाद है ना मिटाना जिहाद है, टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। आसान है घरों का जलाना बहुत मगर, बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद है। तो इंसानियत की तवज्जो, इंसानियत की लाज बचाने के वास्ते, इंसानियत की लाज बचाने के वास्ते मक्तल में अपने सर को कटाना जिहाद है। इंसानियत की लाज बचाने के वास्ते मक्तल में अपने सर को कटाना, कटाना जिहाद। अरे बोलो कटाना जिहाद। मुझे मत देखे, मुझे मत देखे, जो मुझ में बोलता है, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ। अली बोले दरे खैबर उलट कर, ये शान मुस्तफा है मैं नहीं हूँ। अली बोले दरे खैबर, ये शान मुस्तफा है मैं नहीं हूँ। आने वाला शेर सुने जितने, जहां तक हुसैनियत बेदार है। मिटना जिहाद है ना मिटाना जिहाद है, मिटना जिहाद है ना मिटाना जिहाद है, टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। आसान है घरों का जलाना बहुत मगर, बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद है। इंसानियत की लाज बचाने के वास्ते मक्तल में अपने सर को कटाना जिहाद है। कृष्णा लबी में नहर पे कब्जे के बावजूद पानी उठाकर फेंक के जाना जिहाद है। तवज्जो, पानी उठाकर फेंक के जाना जिहाद है। तो समझा गए हमको ये अक्सा के मुजाहिद, समझा गए हैं हमको ये अक्सा के मुजाहिद, मस्जिद को जान दे के बचाना जिहाद है। समझा गए हैं हमको ये अक्सा के मुजाहिद, मस्जिद को जान दे के तकबीर। इतना बड़ा शेर है आज की रात का। आखिरी शेर हजरत इमाम अली असगर की बारगाह में, करबला के सबसे छोटे शहजादे की बारगाह में। जरा अपने हाथों उठाए बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मिटना जिहाद है ना मिटाना जिहाद है। आवाज नहीं आई भाई, आवाज नहीं आई। मिटना जिहाद है ना मिटाना जिहाद है, मिटना जिहाद है ना मिटाना जिहाद है, टूटे हुए दिलों को मिलाना जिहाद है। आसान है घरों का जलाना बहुत मगर, बिखरे घरों की आग बुझाना जिहाद है। इंसानियत की लाज बचाने के वास्ते मक्तल में अपने सर को कटाना जिहाद है। कृष्णा लबी में नहर पे कब्जे के बावजूद पानी उठाकर फेंक के जाना जिहाद है। तवज्जो, तो जिस पर ये कायनात कदम भी ना रख सकी, जिस पर ये कायनात कदम भी न रख सकी, असगर को उस जमीन पे लिटाना जिहाद है। जिस पर ये कायनात कदम भी न रख सकी, जिस पर ये कायनात कदम भी न रख सकी, असगर को उस जमीन पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे हिंदुस्तान आले जनाब नफीस भाई हबीबी। जिस पर ये कायनात कदम भी ना रख सकी, असगर को उस जमी पे लेटाना, लेटाना जिहाद है। असगर को उस जमी पे लेटाना जिहाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा, तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की। न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। शायर ने कहा पृथ्वी राज से लेकर के गिरी राज तलक, कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले। आज तक हिंद में बच्चे न किसी माँ ने जने, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले।
आज तक हिंद में बच्चे न किसी माने जने, आज तक हिंद में बच्चे न किसी माने जने। आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले, आजीम अलकमा का इलाका समेट कर। कौन अब्बास? किस अब्बास? मौला मौला अली उसे कहते हैं जो एक उंगली पर खैबर को उखाड़ दे। मौला अब्बास वो हैं जो नजरों की जोर से 22,000 के लश्कर को रोक दे। शायर ने कहा था खजाने की जो जीनत है उसे अलमास कहते हैं, तमन्ना अगर वो पानी की तो उसको प्यास कहते हैं, जहां पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जहां पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। अब यहां से एक एक शेर सुने, फैसला आप पर है। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर, जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा खेमा समेट कर। एक एक शेर सुने, फैसला आप खुद करें। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर, जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। तवज्जो तवज्जो, तो मशकीदा मशकीदा उसको भरना था वरना अली का शेर। चचा मशकीदा मशकीदा उसको भरना था वरना अली का शेर, लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। मशकीदा उसको भरना था, मशकीदा उसको भरना था वरना अली का शेर, लश्कर पे फेंक देता वो दरिया दरिया समेट कर। इलाहाबाद में एक चीज मशहूर है, अगर करबला की कभी महफिल सजाना तो नफीस अहमद हबीबी को बुला ले, इसलिए कि अगर अल्लाह अल्लाह की तो दी हुई तौफीक है, इमाम हुसैन का करम है, पूरे करबला का मंजर आपको शायरी के जरिए सुना सकता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाए बोले, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आखिरी शेर, शेर बहुत है लेकिन आखिरी शेर, उनकी बारगाह में जिनके नाम पर इंसान जिन्नात वली कुतुब गौस अब्दाल कलंदर अंबिया रसूल खुद मेरे आका खड़े हो जाते हैं। है कि नहीं? जब हुजूर खड़े हो सकते हैं तो उम्मती भी खड़ा हो सकता है। जिम्मेदारी आपकी है कि आप कहां समझे कितना बोले, कहां तक बोले, कहां तक दाद दे सकते हैं। आखिरी शेर, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर, जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। मर्जी आपकी, आप खड़े होकर सुने बैठ कर सुने, मर्जी आपकी है। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। मशकीजा उसको भरना था वरना अली का शेर, लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। बैगत के खत का शहने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट कर। तवज्जो, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट कर, तो जी चाहता है फातिमा जहरा की कब्र पर, जी चाहता है। तवज्जो, जी चाहता है फातिमा जहरा की कब्र पर, रख दूं खिलाफे खाने काबा समेट कर। जी चाहता है, जी चाहता है फातिमा जहरा की कब्र पर, रख दूं खिलाफे खाने काबा, रख दूं खिलाफे खाने काबा समेट कर। इसलिए कि दिल से कभी नबी की मोहब्बत न जाएगी, मेरे कभी लहू से तहारत न जाएगी, बेइज्न कर बतूल के घर में रखा कदम, ऐ मौत तू यहाँ से सलामत न जाएगी, ऐ मौत तू यहाँ से सलामत न जाएगी। शायर ने कहा हम दश्त की सख्त तबीयत को महफूज बिछौना करते हैं, इस सूने सूने जंगल को हम सोना सोना करते हैं। बेशीर अली ने कासिम से मक्तल की भीड़ में फरमाया, तुम मौत को दुल्हन करते हो, हम मौत खिलौना करते हैं। बेशीर अली ने
कासिम से मक्तल की भीड़ में फरमाया, तुम मौत को दुल्हन करते हो, हम मौत खिलौना करते हैं। आखिरी चार मिसरा। देखिए यार, दुनिया हमें डरा रही है, हमें धमका रही है, लेकिन जो गौस पाक का गुलाम होता है वो क्या कहता है? अगर आपने हुक्म दिया है तो सुनिएगा सही से, जमी से आसमां तक है ये चर्चा गौसे आजम का। शेर सुने, अगर गौसे आजम के नाम की बिरयानी और लंगर खाया है ना तो शेर का हक अदा करिएगा, जमी से आसमां तक है ये चर्चा गौसे आजम का, रहेगा हश्र तक हम पर ये साया गौसे आजम का। चौथा से आजम के दर के दीवाने हैं तो इंशाल्लाह मचल जाएंगे, जमी से आसमां तक है ये चर्चा गौसे आजम का, रहेगा हश्र तक हम पर ये साया गौसे आजम का। तो कभी भी शेर बनने की तुम हमसे भूल मत करना, तुम्हें तो चीर डालेगा ये कुत्ता गौसे आजम का। कभी भी शेर बनने की तुम हमसे भूल मत करना, तुम्हें तो चीर डालेगा ये कुत्ता गौसे आजम का। तुम्हें चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने हुजूर गौसे आजम जिंदाबाद। मोहब्बत जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा। और एक शेर, जितने इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने हाथ को उठाकर कह दें या हुसैन, जितने हुसैनी हैं हुसैनी रंग में आकर कह दें या हुसैन, मोहब्बतों के साथ मिलकर कहें या हुसैन। मोहब्बत जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा, नबी की मोहब्बत के खाते लड़ेंगे, इसी में मरेंगे इसी में जिएंगे। जितने हुसैनी बैठे हैं सिर्फ उनके लिए पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ मिले जा करें। नबी की मोहब्बत के खाते लड़ेंगे, इसी में मरेंगे इसी में जिएंगे, न पीछे हटेंगे न पीछे हटेंगे कभी भी हुसैनी, न पीछे हटेंगे कभी भी हुसैनी, अगर खून अपना बहाना।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोहब्बत जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा। चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा। और शेर सरकार गौसे आजम की बारगाह में मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। मेरे गौसे आजम का वो मर्तबा है कि इबलीस भी देख कर भागता है। मेरे गौसे आजम का वो मर्तबा है कि इबलीस भी देख कर भागता है। मेरे गौसे आजम का वो मर्तबा है कि इबलीस भी देख कर भागता है। भगाना है जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा। और आखिरी शेर सरकारे करी नवाज की बारगाह में मैं पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ, बुला जाकर एक बार पूरा मनमा मिलकर कहते हैं यार रसूलल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहें यार रसूलल्लाह। वो लाचार बेबसी के गम खार भी हैं, यकीनन वो भारत के सरदार भी हैं। जिसका ये अकीदा हो मेरे साथ शामिल हो जाए, मैं पढ़ करें। वो लाचार बेबसी के गम खार भी हैं, यकीनन वो भारत के सरदार भी हैं। अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में रहने का हक अदा करें, मिलकर कहें यार रसूलल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें यार रसूलल्लाह। वो लाचार बेबसी के गम खार भी हैं, वो लाचार बेबसी के गम खार भी हैं, यकीनन वो भारत के सरदार भी हैं। अगर मोहब्बत जलाना पड़ेगा, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा।